हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्टडी लैब। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ हिंदी का चैप्टर थ्री, जो कि है उपभोक्तावाद की संस्कृति, की डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। गाइस, इसके एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, एनसीईआरटी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो गाइस, पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेने से आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, उपभोक्तावाद की संस्कृति को लिखा है श्री श्यामचरण दुबे जी द्वारा, लिखा गया है यह पाठ। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं उपभोक्तावाद मीन्स होता क्या है। तो गाइस, उपभोक्तावाद मीन्स होता है कि कंज्यूमर, जैसे कि हम लोग चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, मार्केट से नई नई चीज़ें खरीदते हैं, उसी को कंज्यूम करना कहते हैं। तो गाइस, चलिए अपने चैप्टर में देखते हैं कि क्या है। तो गाइस, चैप्टर स्टार्ट होता है कि लेखक के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। स्टोरी वन यहाँ शुरू होती है चैप्टर, कि लेखक के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई प्रकार की जीवन शैली, मतलब कि डेली रूटीन, अपना पांव पसार रही है, जिसके फलस्वरूप उपभोक्तावाद का दर्शन अस्तित्व में आ रहा है। कि मतलब लोग नई नई चीज़ों की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। उत्पादन की अधिकता पर जोर दिया जा रहा है, मतलब कि जो कंपनीज़ हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट हैं उसको बढ़ा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोड्यूस कर रही हैं। वर्तमान समय में उपभोग भोग ही सुख बन गया, मतलब लोगों को नई नई चीज़ें खरीदना पसंद हो गया और उनकी आदत बनती जा रही है, उससे उन लोगों को खुशी मिल रही है। लेखक अपनी इस बात पर बल देते हुए कहते हैं कि उत्पाद लोगों का नहीं, बल्कि लोग उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। कि मतलब लोग उत्पादों पर आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। आज बाज़ार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। विलासिता मतलब कि जिनसे हमको अच्छा लगता हो, जो हमारे सुख बढ़ाती हों और हमें आसानी की तरफ मोड़ती हों, जो निरंतर आपको लुभाने का प्रयत्न करते रहते हैं। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कोई वस्तु को ही ले लीजिए, जैसे विभिन्न प्रकार का टूथपेस्ट बाज़ार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोतियों जैसा चमकदार बना देता है, तो कोई मुँह की दुर्गंध हटाने में कारगर है। कोई टूथपेस्ट मसूड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए बना है, तो कोई बबूल और नीम के गुड़ों से भरा हुआ है। अब पेस्ट के अनुसार ब्रश भी होना चाहिए। बाज़ार में एक से बढ़कर एक ब्रश उपलब्ध हैं, जो आकार, बनावट, सफाई, रंग आदि में अलग अलग विशेषता वाला हो। साथ ही मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश की भी ज़रूरत होगी। सूच और भी बड़ी लंबी होने की संभावना है। लेखक अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों, मतलब कि मेकअप के सामानों की तो भीड़ और भी ज़्यादा लोगों को चमकृत कर रही है। मतलब कि मेकअप के सामान के पीछे लोग ज़्यादा भाग रहे हैं। सौंदर्य प्रसाधन, मतलब कि मेकअप का सामान क्षेत्र में तो हर महीने नए उत्पाद जुड़े जाते हैं, मतलब कि नए नए प्रोडक्ट हर दिन आ रहे हैं। उदाहरण के रूप में साबुन को ही ले लीजिए, कोई बहुत सुगंधित है तो किसी में कम सुगंध है। कोई साबुन तरोताज़ा रखता है, कोई पसीना रोकता है। कोई जम से सुरक्षा देने का वादा करता है, कोई साबुन का उद्देश्य शरीर को पवित्र रखना होता है, तो फिर कोई साबुन खुद को शुद्ध गंगा जल से निर्मित बताने में जरा भी देर नहीं करता। महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के सौंदर्य सामान मिलना कोई नई बात नहीं है। महिलाओं की तरह पुरुष भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल है, मतलब कि पुरुष भी मेकअप के सामान की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। अब पहले तो उनका काम साबुन तेल से चल जाता था, अब पुरुषों के जीवन में भी तरह तरह के सौंदर्य सामान शामिल हैं। आगे लेखक सौंदर्य की बात करते करते परिधान की दुनिया में आ जाते हैं। मतलब कि परिधान मीन्स होता है हमारा पहनावा, कपड़े, कपड़े का पहनावा मीन्स होता है परिधान। परिधान की दुनिया में लेखक आ जाते हैं। वह कहते हैं कि अत्यधिक मात्रा में बुटीक खुलने लगे हैं, मतलब कि जो फैशन डिज़ाइनिंग कपड़ों पर डिज़ाइनिंग करते हैं, विभिन्न डिज़ाइन के कपड़े बाज़ार में आने लगे हैं, जो बहुत महंगे भी हैं। केवल समय देखना हो तो 400-500 के घड़ी में भी काम चल सकता है, परंतु प्रतिष्ठा या हैसियत दिखाना हो तो घड़ियां 50-60 हज़ार से 1-1.5 लाख तक की भी पहनी जा रही हैं। संगीत की समझ भले ही ना हो, पर म्यूज़िक सिस्टम बड़ा और कीमती होना चाहिए लोगों के घरों में। कंप्यूटर को काम से ज़्यादा दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। ऊँची प्रतिष्ठा का दिखावा करने के लिए शादी विवाह 5-स्टार होटलों में बुक किए जाते हैं। दिखावा का वही हॉल हॉस्पिटल और स्कूलों के साथ भी है।
अभी भारत में तो नहीं परंतु अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार या क्रियाकर्म के बाद का प्रबंध कर दिया जाता है, जिसकी कीमत भी पहले ही देय होता है, मतलब कि पहले ही देनी होती है। आपके कब्र या समाधि स्थल पर हरी घास होगी, आपकी इच्छा अनुसार फूल होंगे, फुहारे होंगे, आप चाहें तो मंद ध्वनि में निरंतर संगीत आदि की व्यवस्था भी करा सकते हैं। भविष्य में ऐसा भारत में भी संभव हो सकता है। तत्पश्चात लेखक इस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। जवाब में लेखक कहते हैं कि भारतीय परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, मतलब कि भारतीय परंपराएं कम होती जा रही हैं, हमारी आस्थाएं दिन प्रतिदिन कमज़ोर हुई हैं। सत्य तो यह है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, मतलब कि आधुनिकता की झूठी चकाचौंध में खो गए हैं, तथा समस्त भ्रामक विज्ञापन हमारी मानसिकता को अपने वश में कर लिए हैं, मतलब कि ये बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट हमको अपनी तरफ खींचे लिए जा रहे हैं। अतः लेखक उक्त संस्कृति के फैलाव का परिणाम सोचकर बहुत चिंतित है, मतलब कि आगे की संस्कृति का, मतलब आगे वाली पीढ़ी का परिणाम सोचकर लेखक जो है वह बहुत चिंतित है। आगे वो कहते हैं कि हमारे सीमित संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, भला आलू चिप्स पिज्ज़ा और बर्गर खाकर स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। जो जो दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति में भी बढ़ोतरी होगी। लेखक के अनुसार गांधी जी ने कभी कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। निसंदेह उपभोक्तावाद की संस्कृति भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। तो गाइस ये चैप्टर थी, इसकी समरी है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो गाइस सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो गाइस इसका आंसर है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए सही और ज़रूरतों के अनुकूल उत्पादों का उपभोग करना चाहिए, मतलब कि जो उसको चाहिए सही चीज़ बस उसी का यूज़ करना चाहिए जिससे जीवन में सुख आ सकता है। गाइस दूसरा क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो गाइस इसका उत्तर है, आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूर्णतः प्रभावित कर रही है। सत्य तो यह है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की दास्ता स्वीकार कर दी है, मतलब कि मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम आधुनिकता की झूठी चकाचौंध में खो गए हैं, तथा समस्त भ्रामक विज्ञापन हमारी मानसिकता को अपने वश में कर लिया है। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। तो गाइस इसका उत्तर है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। लेखक के इस कथन से आशय यह है कि आज उत्पाद से संबंधित तरह तरह के विज्ञापन अपने आकर्षण के जाल में लोगों को फंसाते जा रहे हैं। लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत के अनुसार उत्पाद नहीं खरीदते बल्कि उत्पाद खरीदने के पीछे उनका उद्देश्य समाज में अपनी प्रतिष्ठा का दिखावा करना होता है। लोग महंगी से महंगी वस्तुएं खरीदने पर केंद्रित रहते हैं, इसलिए प्रस्तुत लेख में लेखक ने अपनी इस बात पर बल देते हुए कहा है कि उत्पाद लोगों को नहीं बल्कि लोग उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। तो गाइस हमारा 4th क्वेश्चन है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों। तो गाइस इसका उत्तर है, वर्तमान समय में एट द प्रेजेंट टाइम में किसी भी उत्पाद से संबंधित विज्ञापन का माध्यम समाज के लिए एक सशक्त आधार बन गया है। लोग तरह तरह के दिग्भ्रमित करने वाले आकर्षक विज्ञापनों के मायाजाल में फंस जाते हैं। लोगों को लगता है कि जो टीवी पर विज्ञापन दिखाया जा रहा है वह पूर्णतः हमारी समस्याओं का समाधान है, इसलिए कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 4th था, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो गाइस मेरे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि उसका विज्ञापन, क्योंकि वस्तु की गुणवत्ता ही हमें लाभ पहुंचा सकती है और हम स्वस्थ रह सकते हैं, वरना विज्ञापन तो केवल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6th है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है,
इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है, पर क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यह वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ से छाट कर लिखिए। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको 5 वाक्य बता देता हूँ इस चैप्टर से। उस माह उसने नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, मतलब कि हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्रिया क्या है और क्रिया विशेषण क्या है, ऊपर वाले उदाहरण को आप देख लीजिए और यहाँ से दोनों को निकाल लीजिए, समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे अपने आप। यह गंभीर चिंता का विषय है। क्या चिंता का विषय है और गंभीर विषय क्या है और गंभीर चिंता है? यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। और हमारा फोर्थ है, अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। और फिफ्थ है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है। तो गाइज ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू गाइज़।